गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज फिर द वर्ल्ड ऑफ साइकोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे स्टैटिस्टिक्स का ही बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन, जो है कैलकुलेशन ऑफ मीडियन। मीडियन का जब कैलकुलेशन हम लोग करेंगे, यानी माध्य का जिसे हिंदी में कहा जाता है, तब क्लास इंटरवल यानी कि CI दिए हुए रहेंगे और फ्रिक्वेंसी जिसको छोटा f से डिनोट करते हैं वो भी दिया हुआ रहेगा और साथ ही साथ n दिए हुए रहेंगे। इसके बाद आपको इसे फॉर्मूला पे पुट करना है। मीडियन का फॉर्मूला है l यानी कि लोअर लिमिट n डिवाइडेड बाई 2 बड़ा f डिवाइडेड बाई fm इंटू i। इसमें अब हमें n डिवाइडेड बाई 2 करना है। n दिया हुआ है 50, 50 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आता है 25। और लोअर लिमिट l मतलब ऐसी जगह, ऐसा लिमिट जो कि आपके हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के पास हो। यहाँ जितनी भी फ्रीक्वेंसीज दिए हुए हैं उसमें से ये 17 जो है ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो इसके सामने वाला जो एरिया है जो कि 25 और 29 है, लोअर लिमिट इसी 25 में से 0.5 को अगर हम माइनस कर देंगे तो वही लोअर लिमिट होता है। यानी कि 25 और 24 के बीच का जो पोर्शन है उसे लोअर लिमिट कहा जाता है। उस हिसाब से यहाँ हमें मिलता है 24.5 एज अ लोअर लिमिट। फिर है बड़ा एफ। बड़ा एफ क्या है? ये जो 17 है जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, उसके नीचे में जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं जैसे कि 6, 7, 4, 2, इन सबको ऐड करने से आपको मिलता है 19, जो कि है बड़ा एफ। फिर है छोटा एफएम जो कि 17 है। छोटा एफएम उसे कहते हैं जो ये जगह जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की है, इसे ही एफएम कहा जाता है। ठीक है, अब आ जाता है आपका आई यानी इंटरवल। इंटरवल यानी इन दोनों के बीच में कितने की गैपिंग है, तो आप देख सकते हैं कि सभी के बीच में 5-5 का ही डिफरेंस है, इसी वजह से यहाँ पर 5 लिख लिए गए हैं। अब फॉर्मूला के अनुसार हमारे पास सारी चीज़ें आ गई है, जैसे कि L बराबर हो गया 24.5 प्लस 25 माइनस 19 और डिवाइडेड बाई 17 इंटू 5। बराबर अगर करते हैं तो होता है 24.5 प्लस, यहाँ 25 और 19 को अगर माइनस करते हैं तो उसमें से 6 निकल जाता है, और डिवाइडेड बाई 17 इंटू 5 इक्वल टू 24.5 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 17। 30 आया, ये ऊपर का जो 6 था और ये इंटू में 5 था, तो 5 इंटू 6 इक्वल टू 30। ठीक है, उसके बाद हम लोग लेते हैं 24.5 प्लस 1.76। 1.76 कैसे आया? अगर हम 30 को 17 से डिवाइड करते हैं तो 1.76 आता है। इस प्रकार 24.5 प्लस 1.76 इक्वल टू 26.26 आंसर आता है। इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से मीडियन को यानी कि माध्यिका को निकाल सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।